जो गाड़ी है उसको जो गाड़ी और मोटरबाइक है, मोटरबाइक का 2,000 रुपया जुर्माना वो शुरू हो चुका है कि जो मोटरबाइक है वो जब खरीदा जाता है पेट्रोल मोटरबाइक तो उसके अंदर फिल्टर होता है जिसको आप सालाना उसकी सर्विस कराते हैं और उसके मोबिल ऑयल को चेंज कराते हैं, उसके ऊपर सिर्फ 700 रुपया खर्चा, और सिर्फ 700 रुपए का इंडिविजुअल खर्चा सालाना आपके मोटरबाइक को फिटनेस उसकी सर्टिफिकेशन कर सकता है और वो जो स्मोक है उसको कम से कम और कार्बन फुटप्रिंट उसका कम हो सकता है। कोई भी पेट्रोल पंप अगर अडल्ट्रेटेड ऑयल बेच रहा है उसको सील किया जाएगा। जिम्मेदारी है कि मुंजी को जलाना बंद करें, मुंजी जलाना जुर्म है और कानून जो है वो हरकत में आता है और आपकी गिरफ्तारियां होती हैं। क्विक रिस्पॉन्स सेंटर बनाए गए हैं जो कि लोकल पुलिस के साथ लिंक्ड हैं और जहां भी इस किस्म की आइडेंटिफिकेशन होती है वहां फौरन कानून हरकत में आता है और FIR और गिरफ्तारी और जुर्माना होता है। पिछले 8-9 साल से जब से ये मामला शुरू हुआ और पिछले 4-5 साल में ये फिनोमेना जो है वो बढ़ता गया, और स्मॉग सिर्फ हम कहते हैं कि अक्टूबर से लेकर या सितंबर एंड से लेकर दिसंबर जनवरी तक का एक फिनोमेना है, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि जब स्मोक और फॉग जो विंटर्स की है जब वो आपस में मिलती है तो वो स्मॉग का फिनोमेना जो है वो अटेन करती है, लेकिन पूरा साल जो लाहौर का और एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस वक्त ख़तरनाक हद तक पहुंच चुका है, जिसमें कसूर, शेखुपुरा, लाहौर और बहुत हद तक अब नारोवाल जो है वो इसकी लपेट में आ रहा है। जो लाहौर है वो ज़्यादा इसकी वल्नरेबिलिटी है क्योंकि जो एनवेलप बनता है विंड कॉरिडोर का वो लाहौर में बनता है और जो स्मॉग है वो लाहौर के अंदर जमा होती है, और विंटर्स में जो स्मॉग है वो ना सिर्फ रोज़मर्रा की ज़िंदगी बल्कि पूरी इकोनॉमी, बच्चों की तालीम और सबसे बढ़कर जो जानलेवा कैंसरस इसके अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी जो डिज़ीज़ है वो, और जो हेल्थ बिल्स आपके ड्यूरिंग दीज 3 मंथ्स जो हम समझते हैं कि खाली इन 3 महीनों का फिनोमेना है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का स्पेशली हमने देखा कि 450 इंडेक्स तक ये गया, और जो पूरी दुनिया में एक सेफ इंडेक्स है वो कंसिडर किया जाता है कि जो 50 तक का है वो सेटिस्फैक्ट्री है, जो 101 से 150 तक का है वो मॉडरेट है, और 150 से ज़्यादा जो है वो मुजरे सेहत, वो जानलेवा और ख़तरनाक है, और लाहौर का ऑन एवरेज जो होता है वो 250-300 और स्मॉग के वक्त पे वो 450 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स किया है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो वजूहात हैं, जो स्मॉग की वजूहात हैं, जो एयर पोल्यूशन की वजूहात हैं वो वेरी करती हैं, इसके अंदर जो व्हीकुलर एमिशन है जिसके अंदर बाद में फिर जो डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं जिसमें बसेस हैं, ट्रक्स हैं, ओल्ड वैन्स हैं, हमारी गाड़ियां हैं, मोटर बाइक्स हैं, वो उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। खाली अगर मैं ट्रांसपोर्ट की अगर बात करूं बहुत ही ब्रीफ के साथ, तो लाहौर में खाली 4.5 मिलियन मोटर बाइक्स जो हैं वो मौजूद हैं, 1800 मोटर बाइक सालाना रजिस्टर होते हैं, डेली 1800 मोटरबाइक डेली रजिस्टर होते हैं और 4.5 मिलियन मोटरबाइक्स मौजूद हैं। फिर इसके अलावा जो गाड़ियां हैं वो 13 लाख गाड़ियां मौजूद हैं, और कोई व्हीकुलर फिटनेस का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था। मौजूदा हुकूमत वज़ीर आला पंजाब ने जब ये मनसब संभाला पहली तरजीह जो थी वो एयर क्वालिटी इंडेक्स और स्मॉग के ऊपर थी। पिछले अदवार में जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सिर्फ 3 माह में स्मॉग को मैनेज किया जाता था, लेकिन कोई प्रिकॉशन, कोई प्रीएम्प्टिव मेजर नहीं लिया जाता था, और पहली दफ़ा आते ही मार्च में एक कमेटी बनी और मैं बतौर वजीर जो जिम्मेदारी वजीर आला पंजाब ने दी एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, मेरे साथ डीजी बैठे हैं, ईपीए के सेक्रेटरी बैठे हैं जहांगीर साहब, इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट के पंजाब डिपार्टमेंट के, तो आते ही एक इंटीग्रेटेड जो जो कंट्रीब्यूटर डिपार्टमेंट्स हैं, जो जो इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटर है, जो जो सेक्टर कंट्रीब्यूटर है, उसका एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान बना मार्च के अंदर, और उसके उसको फेजेस में डिवाइड किया गया
पहले 3 माह में सिर्फ और सिर्फ हैंड होल्डिंग की गई कि जहाँ जहाँ कवानीन मौजूद हैं, चाहे वो व्हीकुलर एमिशन है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो स्टबल बर्निंग है, चाहे वो ब्रिक किल्न्स हैं, चाहे वो प्लास्टिक की बर्निंग है, चाहे वो प्लांट्स हैं जो डिफरेंट चीज़ों को जलाकर मेल्ट कर धुआं निकालते हैं और तेल को इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं जिसका कार्बन फुटप्रिंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, उन इंडस्ट्री और उन सेक्टर्स को इंगेज किया गया। प्लास्टिक को पंजाब में बैन किया गया वज़ीर आला पंजाब की हदायत के ऊपर, और 3 माह के अंदर ये इंडस्ट्री की डिफरेंट सेक्टर्स की हैंड होल्डिंग हुई वज़ीर आला पंजाब के स्मॉग लेस पंजाब के विजन के मुताबिक। अब जिन 3 महीनों में हम मौजूद हैं इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, इन्फोर्समेंट और रेगुलेशन जो है कवानीन की वो इस वक्त की जा रही है। और इसमें मैं जैसे ट्रांसपोर्ट की बात कर रही थी तो ट्रांसपोर्ट में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की जो कैमरे हैं उनके ज़रिए व्हीकुलर एमिशन को आइडेंटिफाई करके, और इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ईपीए ने। जितनी ईपीए आज मुतहरक है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, डिफरेंट रेगुलेशन के अंदर, डिफरेंट इन्फोर्समेंट के अंदर, तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और इसका डेटा मैं अभी आपको बताने लगी हूँ कि जो मोटरबाइक है वो जब ख़रीदा जाता है पेट्रोल मोटरबाइक तो उसके अंदर फिल्टर होता है जिसको आप सालाना उसकी सर्विस कराते हैं और उसके मोबिल ऑयल को चेंज कराते हैं, उसके ऊपर सिर्फ 700 रुपया खर्चा आता है। और जब आप वो नहीं करते तो कलेक्टिव स्मोक एमिटिंग जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर कंट्रीब्यूट करती है और वो लंग कैंसर, सांस की बीमारियाँ, गले की बीमारियाँ उसके अंदर वो कल्मिनेट होती हैं। और सिर्फ 700 रुपये का इंडिविजुअल खर्चा सालाना आपके मोटरबाइक को फिटनेस उसकी सर्टिफिकेशन कर सकता है और वो जो स्मोक है उसको कम से कम और कार्बन फुटप्रिंट उसका कम हो सकता है। इसी तरह जो गाड़ी है, गाड़ी के अंदर भी जो नई गाड़ियां हैं जो हाइब्रिड आ चुकी हैं, जो डिफरेंट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कार्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन पुराने ट्रक जो कंस्ट्रक्शन के मटीरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो पुरानी बसेस हैं, जो पुरानी वैन्स हैं, आपने देखा होगा उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। और पहली दफ़ा नोटिफिकेशन है फॉर फ्यूल टेस्टिंग, जितनी अडल्ट्रेशन होती है फ्यूल के अंदर वो नोटिफिकेशन ईपीए की तरफ से आया है कि कोई भी पेट्रोल पंप अगर अडल्ट्रेटेड ऑयल बेच रहा है उसको सील किया जाएगा। और उसके बाद जो गाड़ी है उसको जो गाड़ी और मोटरबाइक है मोटरबाइक का 2000 रुपया जुर्माना वो शुरू हो चुका है। इसी तरह जो वैन्स हैं, जो हमारी सरकारी गाड़ियां सरकारी वैन्स हैं उसके ऊपर भी चलान हुआ है और उनको बंद किया गया है। इसी तरह जो विक्स का सिस्टम है वो 3 जगह पे मौजूद है, काला शाह काकू, गार्डन टाउन और ठोकर न्याज पे। यहाँ वो व्हीकुलर जो एमिशन का सर्टिफिकेट है उसकी फिटनेस को चेक करके वो देते हैं और उसके बाद चाहे वो मोटरबाइक है, चाहे वो वैन है, चाहे वो बस है, आप अपने व्हीकल का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। एक तारीखी प्रोजेक्ट वज़ीर आला पंजाब की हदायत पे व्हीकुलर एमिशन कंट्रोल सिस्टम जो है उसको मुतारिफ कराया जा रहा है, जहाँ प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके प्राइवेट वर्कशॉप्स, ताकि आपको इन 3 स्टेशन्स के अलावा भी वो पॉइंट्स मिल सकें जहां आप अपने जो गाड़ी है या जो भी आपकी सवारी है उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट उसको चेक करा कर ले सकते हैं और कंप्लायंस जो है अगर उसका फिल्टर ख़राब है उसको भी ठीक करा सकते हैं, और अगर वो स्मोक एमिट कर रही है उसकी सर्विस होनी है वो कराने के बाद आप वो ले सकेंगे और वो प्राइवेट वर्कशॉप्स होंगी वो आपको वो फैसिलिटी मुहैया करेंगी। इसके साथ साथ जो हमने यहाँ तक के जो ज़ीरो टॉलरेंस है कि वो गाड़ियाँ जो लाहौर के अंदर एंटर होती हैं और वो 3 दफ़ा वायलेट करेंगी अगर अपने एसओपीस को तो उनका जो रूट परमिट है उसको कैंसिल कर दिया गया है। और इस तरह की बहुत सी एग्जांपल हैं जो पिछले 3 माह के अंदर जो गाड़ियां वायलेट की गई हैं उनको, इसमें सरकारी गाड़ियां भी मौजूद थी, सरकारी बसेस भी, सरकारी वैन भी, जो है इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है, क्योंकि ये ऐसा मामला है जो इंसानी सेहत के साथ लिंक्ड है, इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। इसी तरह जो आपको याद होगा वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का जो मेट्रो बसेस का और ऑरेंज ट्रेन का जो विजन था एक मास ट्रांजिट का, कि गाड़ियां कम लोग इस्तेमाल करें, मोटरबाइक कम लोग इस्तेमाल करें और इस तरह की मास ट्रांजिट को इस्तेमाल करते हुए जो रोड्स के ऊपर ट्रैफिक की कंजेशन है और स्मोक और कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम किया जाए, इसी को देखते हुए वज़ीर आला पंजाब ने पूरा जो ई मास ट्रांजिट है उसको मुतारिफ करा रही हैं और अभी 3 माह के अंदर
30 से ज़ायद बसेस जो हैं वो लाहौर के रूट्स पर ई बसेस चलना शुरू हो जाएंगी। और अगले 5 साल जो हमारी पॉलिसी है वज़ीर आला पंजाब की कि पूरा ई ट्रांजिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ, जिसके अंदर ई बाइक्स हैं, जिसके अंदर ई बसेस हैं, और इसी तरह ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतारफ़ कराना कि लोग अपनी सवारी और अपनी जो ट्रांसपोर्ट है उसको कम इस्तेमाल करें और गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको इस्तेमाल करें। 20,000 ई बाइक का जो एक प्रोजेक्ट इस वक्त शुरू हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी इंगेज किया गया है कि जो बाइक्स हैं उनको, उनके अंदर जो डिफरेंट फिल्टर्स हैं उनको नष्ट किया जाए ताकि जो स्मोक एमिटिंग उसके अंदर पार्ट्स हैं वो कम से कम स्मोक एमिट करें और कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको कम करें। इसी तरह जो सबसे बड़ा मसला और कॉन्ट्रीब्यूटर है वो मुंजी जलाना है, जिसको स्टबल बर्निंग कहते हैं, और स्टबल बर्निंग के ऊपर भी ज़ीरो टॉलरेंस है। सबसे पहले मैपिंग कर ली गई है कि हिस्ट्री में, पिछले अदवार में कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिसके अंदर स्टबल बर्निंग बहुत ज़्यादा होती थी, जिसमें नारोवाल, शेखुपुरा, हाफजाबाद और गुजरांवाला सैरे फहरिस्त हैं। इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। हमारी जो वीट की स्टबल बर्निंग हुई है पिछले 3 माह में, उसके ऊपर बहुत एक्शन हुआ है और अरेस्ट भी किए गए हैं, 200 FIR काटी गई हैं और उसमें से 50 लोगों को गिरफ्तार करके उनको वार्निंग भी दी गई है। और वो तमाम मैपिंग के पिछले अदवार में सितंबर, नवंबर और दिसंबर में जो राइस की मुंजी जलती है, जिसको स्टबल बर्निंग कहते हैं राइस का, उसमें जो वायलेटर्स थे पिछले अदवार में उनको मैप किया गया है, उनको वार्निंग लेटर्स इशू कर दिए गए हैं फॉर दिस ईयर। और ये सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू द स्मॉग सीज़न जिस वक्त, बिकॉज ये इसका सीज़न भी वही सीज़न होता है जो स्मॉग का सीज़न होता है। और इसके ऊपर ड्रोन सर्विलेंस के साथ हमने एक टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराई है ताकि ड्रोन आइडेंटिफाई करें। इसके साथ साथ हमने 1373 एक हेल्पलाइन मुतारफ़ कराई है, 1373, जिससे रोबो कॉल्स भी आपको आएंगी। और पहली दफ़ा जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं जो मोटरवेज पे सफ़र करते हैं या जीटी रोड पे सफ़र करते हैं, और अगर वो स्टबल बर्निंग मुंजी को जलते देखें तो वो फ़ौरन इस पे रिपोर्ट कर सकते हैं। और पहली दफ़ा सिटीजन्स को इंगेज करते हुए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। क्विक रिस्पॉन्स सेंटर बनाए गए हैं जो कि लोकल पुलिस के साथ लिंक्ड हैं, और जहाँ भी इस किस्म की आइडेंटिफिकेशन होती है वहाँ फ़ौरन कानून हरकत में आता है और FIR और गिरफ्तारी और जुर्माना होता है। इसके साथ साथ जो आइडेंटिफिकेशन विलेज लेवल के ऊपर मैपिंग है उसको भी मुकम्मल कर लिया गया है, और उनको भी जो पिछले साल सबसे ज़्यादा वायलेटिंग लेटर्स के साथ लेटर्स इशू कर दिए गए हैं। मेरा सबसे ज़्यादा ये वो है जो हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत अपना काम कर रही है एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान के ज़रिए, वज़ीर आला पंजाब, लेकिन जो सिटीजन्स की जिम्मेदारी है, जो किसान की जिम्मेदारी है, जो अपने फार्मर्स को, अपने किसानों को, अपने केयर टेकर्स को, जिनको उन्होंने ठेके पे अपनी ज़मीन दी होती है, वहाँ जो मुंजी जलती है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि मुंजी को जलाना बंद करें। मुंजी जलाना जुर्म है और कानून जो है वो हरकत में आता है और आपकी गिरफ्तारियाँ होती हैं, लेकिन ये आपकी इनफरादी ज़िम्मेदारी है कि आपके फार्म के ऊपर मुंजी नहीं जलेगी।